हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार लाइव इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, इसके पहले हम लोग ने देखा कि एलन केयर इंस्टीट्यूट में किस टाइप की बैचेस रहती है और कैसे और रन करती है। देन उसके बाद हम लोग ने स्पेशल ये भी देखा टॉपर्स बैच में और रेगुलर बैच में क्या डिफरेंस रहता है। नाउ आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको एलन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, जिसमें आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस पूरा कैसा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एग्जाम के लिए आपको सैंपल पेपर कहाँ से मिलेंगे, एग्जाम का पैटर्न आपको कैसे मिलेगी और एग्जाम की आने वाली जो नेक्स्ट डेट है वो आपको कैसे पता लगेगी, उसके बारे में वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमें गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर URL में डाल देना है ln.ac.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, आपके सामने इस टाइप से एक फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू सेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू सेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइनअप पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको साइनअप करके यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना रहेगा, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ पर एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी रहेगी, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, कैंडिडेट फुल नेम। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेरेंट है तो कैंडिडेट फुल नेम में आपको कैंडिडेट का ही नाम डालना है। यहाँ पे आप गलती से अपना नाम फिलअप मत कर दीजिएगा, राइट। देन उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपको जो आप रेगुलर में यूज़ करें वही डालना है, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक OTP आना है जिसको आपको आगे वेरीफाई करना रहेगा, राइट। देन उसके बाद इंटरेस्टेड एलन स्टडी सेंटर, आप किस सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको एलन का रेफरेंस कहाँ से मिला वो आपको यहाँ से फिलअप कर लेना है। यहाँ से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको रेफरेंस लेना चाहे ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे जल्दी फटाफट से फिलअप करके हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिलअप कर ली है। देन जैसे डिटेल फिलअप कर लेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक वेरिफिकेशन के लिए एक अपडेट आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, उसे हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं भी उसे फटाफट से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन कोड दोनों फिलअप कर लिया है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, हमें वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक लॉगिन का वापस एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको कर लेना है यहाँ पर क्लिक। सो वापस हम लोग इसी वापस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो हमें करना है यहाँ पर अब ईमेल आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना है, इस ईमेल आईडी से हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेता हूँ। यानी ये फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। सो जैसे हम लोग इसके मेन इंटरफेस में एंटर होंगे, यहाँ पर चार स्टेप बेसिक दिए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट में कोर्स डिटेल, सेकंड में पर्सनल डिटेल, थर्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल एंड फोर्थ में आपको जो भी हमने फिलअप किया उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं ये है क्या पूरा इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास। तो क्लास में क्या है, यहाँ पे जिस क्लास में आप जाने वाले हैं उस आप मूविंग क्लास को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं अभी 11th क्लास के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, क्लास 10 to 11th मूविंग यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद है क्लासरूम सिटी सेंटर, सेंटर सिटी। तो किस क्लास कहाँ के लिए आप फिलअप करना चाहते हो वो डिटेल हमको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो मैं कोटा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कोटा सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद स्ट्रीम यहाँ पे फिलअप करनी है हमें। इसमें दो तरीके से फेज यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप पूरे साल ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज करना है, और अगर आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल वाला जो इंटरफेस है उसको आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं प्री मेडिकल के लिए लेकिन करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ प्री मेडिकल के लिए करूँगा, और वो भी जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के लिए करना चाहूँगा, राइट। तो उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद एडमिशन बोर्ड हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे है एसेट का एडमिशन बोर्ड में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे दो और ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट एडमिशन और टैलेंट एक्स। डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो आपको फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट प्रॉपर जो भी फुल फीस अमाउंट वो आपको पे कर देनी है, और टैलेंट एक्स जो एग्जामिनेशन वो अक्टूबर में होता है और अभी इस बार जो है वो दो बार होने वाला है। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है वो एसेट का ही है, तो हम एसेट के लिए यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे डिटेल फिलअप कर लेनी है, जेंडर, उसके बाद मीडियम, कोर्स, देन उसके बाद क्लासरूम सेंटर भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। टेस्ट की डेट यहाँ पे दी गई है, टेस्ट जो भी आप डेट सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं।
देन उसके बाद टेस्ट सेंटर, राइट। चलिए उसको हम लोग फटाफट से फिल कर लेते हैं और आगे का स्टेप हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी अपनी डिटेल फिलअप कर ली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। मैंने सारी डिटेल फिलअप कर ली है, देन उसके बाद हमको करना है सेव पे क्लिक। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में भी यही सारी चीज़ें जो अपनी आपकी जो पर्सनल डिटेल रहेगी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी, राइट। एक और चीज़ आप अच्छे से समझ ले, यहाँ पे जो भी स्टार लिखा हुआ है रेड कलर में वहाँ पे आपको कंपलसरी सारी चीज़ें मेंशन करनी है, और जहाँ पर स्टार नहीं है उसको आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको एक बार फिलअप कर लेनी है। चलो मैं इसे फटाफट से फिलअप कर लेता हूँ और आगे का स्टेप हम लोग समझते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सारी अपनी जो डिटेल है सारी फिलअप कर ली है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करके वापस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट में यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमारी जो भी पर्सनल डिटेल जिसमें एड्रेस वगैरह की आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी वो आपको यहाँ पर सारी फिलअप करनी है, जिसमें एड्रेस भी रहेगा और फ़ोन नंबर्स भी रहेंगे। चलिए इसे भी मैं फटाफट से फिलअप करके हम लोग आगे का नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने सारी डिटेल को जो है फिलअप कर लिया है, देन यहाँ पे वापस इसको सेव पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे हमारा जो लास्ट जो स्टेप है वो है प्रीव्यू का। तो एक बार हमें सारा चीज़ें प्रीव्यू कर लेनी कि हमने जो भी फिलअप किया वो सारी चीज़ें सही है या नहीं। कहीं भी आपको लग रहा है कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है आपको, तो आप यहाँ पर स्टेप बैक जा करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई एग्री पे क्लिक कर लूँगा, देन उसके बाद फाइनल सबमिट। सो फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आप बाद में भी अपलोड कर पाएंगे, जिससे पेमेंट हो जाएगा उसके बाद, राइट। देन यहाँ पर अभी क्या करना है, आपको एप्लीकेशन का जो फीस है वो आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट 500 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे दो गेटवे दिए हुए हैं, HDFC और ICICI बैंक, और UPI के थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी एक गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर क्या रहेगा, आप ऑनलाइन पेमेंट में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड का नंबर रहेगा और कार्ड की सारी और यहाँ पे कार्ड की सारी डिटेल आपको फिलअप करके जस्ट मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक OTP जनरेट होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसके साथ आप OTP के साथ पूरा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। सो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आपके सामने एक पूरी रिसिप्ट जो है जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर स्टूडेंट का जो रहेगा वो एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से माना जाएगा, और उसके थ्रू स्टूडेंट एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं और उसी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो पाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा LN का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है मुझे चैट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछेगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि LN के आने वाली जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।